वेलकम बैक द थर्ड चैप्टर एंड सब्जेक्ट इज हिस्ट्री द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन सिविलाइजेशन द टॉपिक फर्स्ट इज ब्रोंज एज टूडेज द पीरियड व्हेन पीपल यूज ब्रोंज फॉर टूल्स एंड वी ओपन द इज कॉल्ड द ब्रोंज एज इट फॉलोड द स्टोन एज द डिस्कवरी ऑफ मेटल वॉज हेल्पफुल टू मैन इन मैनी वे With the help of better tools and could cut down crops and tree is much better way. Okay, the weapon of war also come to be made of bronze. तो ये हिंदी में भी आपको हम बता दे रहे हैं कि इस पाषाण युग के बाद ये काशी युग आया और धातु की खोज मानव के लिए अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध हुई. इसका ब्रॉन्ज एज का हिंदी होता है काशी युग. ओके, और इसमें बहुत सारे मजबूत औजार थे और फसलों और पेड़ों की कटाई आसानी से की जा सकती थी और युद्ध के लिए हथियार में भी कांसे का प्रयोग किया जाता था. अब आते हैं कि इसके समय टाइम ऑफ पीरियड क्या है. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से व्हेन द यूज ऑफ ब्रॉन्ज बिगेन द एंड एंडेड पीपल इज सम एरिया स्टार्टेड यूजिंग ब्रॉन्ज अर्लीस्ट एंड स्टोन एरिया लेटर इन सम ऑफ प्लेस इज लेटेस्ट फॉर लॉन्ग बट इज सम ऑफ लेटेस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड एंड नोन टू बी आर नो टू बी अर्लीस्ट वंस टू यूज ब्रॉन्ज अबाउट 3050 बी सी एंड द चाइनीज मेड यूज ऑफ ब्रॉन्ज अंटिल सम टाइम बिटवीन 1500 बी सी एंड 1000 बी सी सो The many place of Bronze Age roughly and between 3500 BC and 1500 BC. That is period Bronze Age. And the second topic is the earliest civilization, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन सभ्यताएँ, प्राचीनतम सभ्यता जिसको बोला जाता है. तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. डिफाइन The all over the world different civilization flourished in the river valley. Four great civilization developed some 5000 ago. Okay, and the first is the Indus Valley in India, or that is one another name Harappan civilization. Indus Valley and Harappan civilization, and the second. Egyptian civilization on the bank of river Nile and North East Africa. Second is, okay, and the third is the Mesopotamia civilization on the bank of Euphrates and Tigris river. Okay, and the Mesopotamia arise and वेस्ट एशिया एंड द मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसको बोला जाता है वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो पश्चिमी एशिया वेस्ट एशिया के नाम से हम लोग जिस जगह के नाम से हम लोग जानते हैं वहाँ पे विकसित हुई थी ये सिविलाइजेशन. एंड द लास्ट इज द चाइनीज सिविलाइजेशन इन द वैली ऑफ हांगो एंड यात्से रिवर. ये इस जगह यहाँ जो ईस्ट एशिया की जो सभ्यता थी चीन की चाइनीज सिविलाइजेशन ये ईस्ट एशिया में विकसित हुई थी. तो ये हमारे चारों सिविलाइजेशन जो हैं ये चारों ये इसके बारे में प्राचीनतम सिविलाइजेशन है और इसके विकसित होने के क्या कारण है डेवलपमेंट होने के. तो ये हम बता दें कि यहाँ पे नदी का प्रयोग जो होता था पानी का प्रयोग सब्जी और अनाज के लिए किया जाता था और यहाँ पे मछली और बहुत सारे कई प्रकार के जल पक्षी भी इस पानी का प्रयोग फसल उगाने के लिए करते थे. फसल को चरने के लिए मतलब पशुओं को चरने के लिए चरगाह भी इन लोग के पास होता था. तो रीजन वाई सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन इंडिया वैली देर आर मेनी रीजन वाई द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन डेवलप अलॉन्ग रिवर बैंक. ओके, द रिवर वाटर कुड बी यूज टू ग्रो फ्रूट एंड ए गुड पॉस्चर एंड लैंड नियर बाई यूज फॉर एनिमल और ग्रेज ऑन द वार्म एंड प्लीजेंट क्लाइमेट. सो द वैली हैड द वार्म एंड प्लीजेंट क्लाइमेट एंड द रिवर प्रोवाइड रेडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट देयर वेयर नो लॉन्ग और गुड रोड एंड कनेक्ट द एंशिएंट टाउन. ओके, अब ये हमारे
आपके ब्रॉन्ज एज और अर्लीस्ट सिविलाइजेशन को हमने डिफाइन कर दिया, इसके रीजन्स भी बता दिए कि क्या रीजन थे इन सिविलाइजेशन में लोगों के रहने की, इस घाटियों में नदी सभ्यता घाटियों में नदी घाटियों में विकसित होने के क्या कारण थे ये हमने बता दिया, कि नदियों के किनारे लोग क्यों रहते थे, इसके कौन से कॉज थे, तो हमने अभी डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। थैंक यू।